इन सीरीज कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन सेम क्रांच पासिंग थ्रो ईच ऑफ द रेजिस्टेंस अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल क्लास 10th यूनिट नंबर 14 फिज़िक्स के नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी, न्यूमेरिकल नंबर 14.4, बाई अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस of 10 volt cross a conductors, a current of 1.5 ampere passes through it, how much energy would be obtained from the current in 2 minutes? अब डियर स्टूडेंट्स, एक कंडक्टर्स है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है 10 volt, पोटेंशियल डिफरेंस, और उस कंडक्टर में से करंट जो है वो पास कर रहा है कितना, 1.5 एम्पीयर। अब वो कह रहा है हो मच एनर्जी वुड बी ऑब्टेन, कितनी एनर्जी हमें हासिल होगी फ्रॉम द करंट करंट से इन 2 मिनट्स। टाइम हमें दे दिया गया है कितना, 2 मिनट्स। सबसे पहले हम इसका डाटा जो है वो नोट डाउन करते हैं। डाटा डाटा में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस वी 10 वोल्ट। नेक्स्ट अब हमें करंट गिवन है, करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। कितना हमारे पास, 1.5 एम्पीयर। नेक्स्ट अब हमें डियर स्टूडेंट्स टाइम गिवन है, इसका टाइम इज इक्वल 2 मिनट्स। अब हम इस ये जो टाइम हमें गिवन है मिनट्स में, इसके हम सेकंड्स बना लेंगे। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 2 मिनट्स में कितने हो जाएंगे हमारे पास, 120 सेकंड्स। नेक्स्ट टू फाइंड क्या फाइंड करना हमने, एनर्जी एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू से। सॉल्व अब डियर स्टूडेंट्स फार्मूला हमारे पास क्या है, वी नो दैट W is equal QV। अब नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हमारे पास क्यू हमारे पास नहीं है, V हमारे पास है, लेकिन बिकॉज क्यू की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं क्यू को, क्यू इज इक्वल किसके होता है, करंट मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब क्यू को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, करंट और टाइम के साथ, आई मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय वी। अब इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज जो हैं वो क्या कर देंगे पुट। अब करंट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है कितना है, 1.5 एम्पीयर। टाइम हमारे पास कितना है, 120 सेकंड्स।
मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस 10। अब हम डियर स्टूडेंट्स 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, 120 के साथ, और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, तो हमारे पास कितना आ रहा है 1800 जॉल। ये हमारे पास इसकी क्या फाइंड होगी एनर्जी। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 14.5। टू रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम एंड 8 किलो ओम आर ज्वाइंट इन सीरीज इफ अ 10 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टिंग अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशंस फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज। ए में हमें डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। नेक्स्ट बी करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस। हर रेजिस्टेंस के अंदर हमने क्या फाइंड करना है करंट। नंबर सी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। हर रेजिस्टेंस का हमने क्या फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम इसका सबसे पहले डाटा जो है वो नोट डाउन करते हैं। डाटा डाटा में सबसे पहले में टू रेजिस्टेंस गिवन है, यानी कि आर वन कितना हमारे पास आर वन 2 किलो ओम। अब किलो को हम प्रीफिक्सिस है हमारे पास, किलो क्या होता है 10^3, क्या बन जाएगा 2 × 10^3 ओम। नेक्स्ट रेजिस्टेंस नंबर 2 आर 2 कितना गिवन है 8 किलो ओम। 8 × किलो क्या लिखेंगे 10^3 ओम। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हमें 10 वोल्ट यानी कि हमारे पास बैटरी के वोल्टेज कितनी है 10। वी इज इक्वल 10 वोल्ट्स। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास डाटा था। अब हमने फाइंड क्या करना है टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेकंड हमने क्या फाइंड करना है करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस। दोनों रेजिस्टेंस का हमने क्या फाइंड करना है करंट I1 I2। नेक्स्ट सी में क्या करना है हमने द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या करना है दोनों रेजिस्टेंस का फाइंड V1 और V2। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स सॉल्व फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वी नो दैट अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल जितनी भी रेजिस्टेंस लगी हुई है सीरीज में उन सब को हम क्या कर देंगे ऐड। अब हमारे पास आर वन कितना है 2 किलो ओम, प्लस आर टू कितना है 8 किलो ओम,
दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 किलो ओम। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इसकी क्या फाइंड हो गई है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सेकंड, अब हमने करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस के अंदर हमने क्या फाइंड करना है, करंट। फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, वी इज इक्वल आई आर। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इधर से हमने क्या फाइंड कर लेंगे, इधर से हमने इसका क्या फाइंड कर लेंगे, करंट, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और इसमें जितना करंट इधर से पास करेगा उतना ही रेजिस्टेंस नंबर वन और उतना ही रेजिस्टेंस नंबर टू में से पास करेगा। अब हम इधर क्या यूज करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना डियर स्टूडेंट्स गिवन है, 10 इज इक्वल, करंट हमने फाइंड करना है इधर से, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके कितना है, 10 किलो ओम। हम इनको क्या लिखेंगे, 10 × 10³। अब 10 × 10³ जो है वो इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 10 × 10³ इज इक्वल करंट। नेक्स्ट 10 के साथ डियर स्टूडेंट कैंसिल भी कर सकते हैं, अगर हम इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 × 10³⁻³। एम्पियर। अब हम इसको चेंज कर देंगे, 10⁻³ इज इक्वल किसके होता है, मिली के, क्या बन जाएगा, 1 mA। ये हमारे पास इसका क्या फाइंड हो गया है, करंट। नेक्स्ट, अब हम डियर स्टूडेंट्स हमने करंट फाइंड करना था I1 और I2, यानी कि दोनों रेजिस्टेंस के अंदर हमने क्या फाइंड करना था, करंट। अब हम इधर लिखेंगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेम करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस। यानी कि सो I1 इक्वल है I2 के, और ये इक्वल है I के, और ये तीनों जो हमारे पास इक्वल आए हैं वो किसके आएंगे, 1 mA। नेक्स्ट, अब हमने इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला जो है वो क्या यूज़ होगा, वी इज इक्वल, V1 का निकाल लें पहले, V इज इक्वल IR, यानी के ओहम ला। अब हमने इधर से V1 फाइंड करना है तो इधर हमारे पास क्या आएगा, R1। अब नेक्स्ट, करंट हमारे पास I1 भी बराबर है I2 के, और I2 और I1 दोनों बराबर किसके हैं, I के। अब तीनों बराबर हमारे पास 1 mA के। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले V1 फाइंड करते हैं, V1 इज इक्वल, अब करंट हमारे पास कितना है, 1 mA की जगह पर 10⁻³। R1 रेजिस्टेंस नंबर 1 हमारे पास कितनी है, 2 kΩ, यानी कि 2 × 10³। अब डियर स्टूडेंट जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे
तुम्हारे पास इसका क्या आंसर आएगा? 2 वोल्ट। ये हमने क्या फाइंड कर दिया? V1। इसी तरीके से हम डियर स्टूडेंट्स इसका क्या फाइंड कर देते हैं? V2। क्या आएगा हमारे पास? V2 इज इक्वल IR2। अब हमने आई की जगह पर क्या लिखना है? 1 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -3, रेजिस्टेंस नंबर 2 हमारे पास कितनी है? 8 किलो ओम। 8 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3 ओम, यानी कि किलो की जगह पर डियर स्टूडेंट्स हमने क्या लिख दिया? 10 रेज की पावर 3। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 8 वोल्ट। ये हमारे पास रेजिस्टेंस नंबर 2 का क्या फाइंड हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यूनिट नंबर 14 के ये दोनों न्यूमेरिकल जो हैं वो अच्छे से समझ लग गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।